गुजरात हिंसा पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। लोकसभा में गृहमंत्री ने ऊना की घटना की निंदा की। राजनाथ सिंह बोले 60 दिनों में दाखिल होगी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। गुजरात में बढ़ती हिंसा के बाद अहमदाबाद और राजकोट में बढ़ाई गई सुरक्षा। दलित संगठन का प्रदर्शन जारी। दलित युवकों की पिटाई के मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी। कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान का पैंथरा। ब्लैक डे पर पाकिस्तान की भारत को धमकी। नवाज शरीफ बोले नहीं हम छोड़ेंगे कश्मीर की लड़ाई। कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन के बाद आज 12वें दिन भी तनाव बरकरार। 10 जिलों में कर्फ्यू जारी। थल सेना प्रमुख जनरल दरबीर सिंह सुहाग आज जाएंगे कश्मीर। उत्तराखंड में अयोग्य ठहराए गए सभी 9 बागी विधायकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बागियों ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने की मांगी अनुमति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सोनी ने की खुदकुशी। महिला ने आपके नेता के खिलाफ दर्ज कराया था छेड़खानी का केस। दिल्ली के सीएम से भी की थी इस मामले में शिकायत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इंटर की छात्रा की पिटाई। टीचर पर मामूली बात को लेकर पिटाई करने का आरोप। केस दर्ज। छात्रा को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी में खाकी की दबंगई की खबर दिखाने पर इंडिया 24/7 की खबर का असर। सीतापुर में दरोगा ने की थी शख्स की पिटाई। आरोपी दरोगा को अब सस्पेंड किया गया। अयोध्या बाबरी केस के पैरोकार हाशिम अंसारी का निधन। काफी दिनों से चल रहे थे बीमार। आज शाम को किया जाएगा सुपुर्द खाक। मुलायम अखिलेश ने जताया शोक।